यार आगे से हट गया, क्या मसला है? और मैं 7 साल जाऊंगा। क्या मुसीबत है आपको? आगे सात साल जाऊंगा। यार ये तो कोई गहरा लगता है मुझे। 7 साल जाऊंगा, 7 साल। तो रोड के दरमियान में क्यों चल रहा है? साइड पे होके चल। यार सामने आते जाऊंगा, सामने आते। मैंने कहा रोड के दरमियान में क्यों जा रहे हो? साइड पे जाओ, एक साइड पे चलो। नीचे आना है, हमारे जिम्मे लगना है। और यार 7 साल जाऊंगा, एक तो डोरियां बलाई मेरे मत्थे लाग जाएंगा। मैं मेरे बात करने का ये मकसद है कि ना आप बहरे हो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा तो मैंने कहा रोड पे ना साइड पे होके चलो, साइड पे होके। मौसम चंगा है, किसी चीज के नीचे आ जाओगे। कहाँ जा रहे हो? 7 साल जाऊंगा, 7 साल। सास की तरफ जा रहे हो? हाँ। क्या करने जा रहे हो? उदे मेरी मंगेतर रांदी है। भाई आप हमारे जिम्मे लग जाओगे, नीचे आ जाओगे। इस तरह करो, आप हमारे साथ चलो, ठीक है ना? गाड़ी में बैठो। कितना दूर घर है आपके सास का? उदे जाऊंगा, उदे। हम आपको छोड़ देते हैं, बैठो गाड़ी में, बैठो। एक तो डोरिया ने मत्थे लाग दिया। बैठो। ये घर है, यही घर है। बस चलो उतरो। आए घर आए, आए आए। मेरी फुफी का घर है। अभी सास कह रहे थे अभी। अच्छा वो फुफो फुफी भी है तो सास भी है। रिश्ते में वो आपको फुफी लगती है? हाँ जी। फुफो, अच्छा ठीक है। अच्छा ना मैं आपको ना कुछ चंद बातें वो सिखा देता हूँ, सही है ना? समझा, मैंने कहा चंद बातें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप इस तरह करें, जब आप फुफो के घर जाएं ना, मतलब जब अपनी सास के घर जाएं, तो सबसे आप पहले उसे पूछेंगे आपका क्या हाल है। हाँ हाँ। बीमार है, बीमार है। नहीं, आप जब जाएंगे ना अपनी फुफो के पास, तो आप उसे जाके कहिएगा कि आपका क्या हाल है, आप ठीक है? हर बंदा जब जाता है ना, आप बहरे हैं ना, तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप। मैं आपको चार सवाल समझा देता हूँ रूटीन वाइज ना, हर बंदा वही चार सवाल करता है, तो मैं आपको चार सवाल समझा देता हूँ। आप चार सवाल जाके उसे करना, तो वो आपको जवाब देगी, आपको कुछ ही नहीं होगा, मतलब उसे पता नहीं चलेगा कि आप बहरे हो, और आपका रिश्ता भी हो जाएगा, ठीक है ना? आपने जाते हुए उसे पता क्या कहना है? आपने उसे कहना आपका क्या हाल है। हर क्या हाल है? हाँ, आपका क्या हाल है? वो कहेगी मैं ठीक हूँ, तो आप कहना फिर आगे से पता क्या कहना, अल्लाह सबको मतलब के ऐसे करे, अल्लाह सबको ऐसे करे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। भाई अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। वो कहेगी ना, जहरी बात आप कहोगे ना आपका क्या हाल, वो कहेगी ठीक है। आप कहना अल्लाह सबको ऐसा कर, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपने कहना है कि आपका डॉक्टर जो है वो कैसा है, जो आप इस डॉक्टर के पास आपका इलाज हो रहा है। वो यही कहेगी कि मेरा जो डॉक्टर है वो ठीक है, मेरे इलाज ठीक हो रहा है। आप कहना अल्लाह हर किसी को ऐसा डॉक्टर दे, ठीक है? उसके बाद आप उसे कहना कि खाने में क्या खा पी रही हो, ठीक है? ये तीसरा सवाल है, खाना जो खा रही हो या जो खुराक खा रही हो उसमें क्या खा पी रही हो। वो कहेगी कि मैं बहुत अच्छा खा रही हूँ, ठीक है ना? तो आप कहोगे अल्लाह ताला ऐसा हर किसी को खिलाए, ठीक है? ठीक है, मतलब ये खाने में क्या खा रही हो। वो कहेगी अच्छा खा रही हूँ, हर बंदा यही कहता है। तो आप कहना अल्लाह आपको, अल्लाह सबको अच्छा खिलाए, इसी तरह का खिलाए। उसके बाद जो चौथा सवाल है, आपने उसे पूछना आपकी जो औलाद है आपकी खिदमत कर रही है, फरमा बरदार है। तो वो कहेगी हाँ मेरी औलाद जो है वो मेरी फरमा बरदार है, वो मेरी खिदमत करती है। आप कहना अल्लाह ऐसी औलाद हर इंसान को दे, ठीक। तो इंशाल्लाह ये जो मैंने आपको चार सवाल याद करवाए, याद हो गए हैं ना? हाँ जी, हाँ। बस ये चार बातें जाके उसको करनी है, वो आपको जवाब देगी। आपने चुप करके कहना भाई मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। आप उठना, उठ के निकल आना, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप बहरे हो, ठीक है? ठीक, बड़ी मेहरबानी। देखो मैंने आपकी मदद कर दी ना, बड़ी बड़ी मेहरबानी। ठीक है, आपकी इजाज़त। ठीक है, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे।
जाएं आप। अच्छा आई करके समझा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? सुना हो, तबीयत जो खराब है? ठीक हाँ। अच्छा सुना हो, छो और किरे गैन को ख्याल ख्याल रख दिया औलाद तेरी? आई हो जाई औलाद, अल्लाह दुश्मन नु ही ना देवे। आ जेड़ी ख्याल ही नहीं रख दी, मां नु ड्रेप लगी पई है तो ना पूछिया ही नहीं है। शुक्र है अल्लाह ही हो जी औलाद सारे अन देवे। शुक्र है मेरे मालिक, समझ ही नहीं पई अंदी। अच्छा सुना हो, को खुराक शुराक कैसे खांदे गती हो? केड़ी खुराक खावनी है? घर मिट्टी पाई हो चटिए, ए औलाद है जेड़ी मां पियो बीमार है, पता नहीं करेंदी हो की खुराक खवाई सी। शुक्र है औलाद जवान हो गई है। शुक्र है। चलो तेन ख्याल तो तेरा रख दी है। बड़ा रखी खाली है, जाती नहीं ने मारी पीछा हट के, ओ मैनू की खुराक देसन। शुक्र है। की हो जे डॉक्टर है, दवाई चंगी रहंदा है? की हो जे डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल दे डॉक्टर की हो जे होंदे पूछ दे हैं किसे नू, ओ पैसे दीवी मन दे ता गल अगले सुन दे। अच्छा। जो मैं ठीक होंदी तो मैं इंजे ड्रेप लवा लवणी आई। शुक्र है चंगा डॉक्टर लाभ गया। बड़ा चंगा डॉक्टर है। दवाई शवाई मोड़ की में चलती पई है? दवाई इस नालू बंदा जहर खा लेवे, जेड़ी दवाई उस दित्ती है महीना महीनो मंजी ते राती दे पाए होए हो गया भाई, रात हो गई है एक महीना हो गया है ते मैं मंजी ते पाईया ते औलाद ओ है जेड़ी ना फरमान है, जेड़ी जाती नहीं पैंदी, खुराक है काई ना, इस नालू जहर ना खा लेवे बंदा, ए दवाई है। ई है जी दवाई भाई, डॉक्टर हार नु देवे। खलो मेरा मेरी चाका करना है। ओ खैर निकल जा मेरे घरों। क्यों मैं क्या कीता है? क्या कीता है की मतलब? डोरा तो नहीं हूँ मैं। हाँ ए दवाइयां खा के डोरी तो नहीं हो गई? मैं डोरी हो गई उल्टा, मैं कोई नहीं दीदा रिश्ता देवना, निकल जा मेरे घरों आए, मेरा ढक्कन दे बाल्टी दे जा, आई तू निकल जा, काई लोड नहीं मैं थे पर मैं समझ रही है, मैं पूछन आया मेरे फटे में लूण सटन आया हूं। दवाई दिमाग ते तो नहीं चढ़ गई? मैं लगता दवाई तो मैं खमने चढ़ तेरा दिमाग। अच्छा साईं पा मैं तेन मुट्ठी मैं हाथी ना लावे पिया नहीं मुट्ठी भरे ना साईं पा। कोई नहीं मैं अपनी दीदा रिश्ता देवना, तेरे नाल मैं किसी अन्य मुथाज नु तो देखता, तू तो मेरे फट्टा ते लूण सटना है, अल्लाह कहना डोरा है की है की मसला तैनू? नहीं कोजी नहीं, ठीक है रक्षे ते आया मु रक्षे ते। नहीं डोरा है? हाय डोरा है, रक्षे ते आया मु रक्षे ते। आ निकल जा मेरे घरों, नहीं तो मैं तैनू आ वेन छुआ ते मैं अंदर कोल ते कुटाई सा, तू तो इथे मेरे फट्टा ते लूण सटना है। गंदे लोग हैं, कन्यार लोग हैं, मैं तो ये नहीं समझ आता भाई, दवाई मैं खादी पई है, दिमाग इनका काम नहीं करेंगे, मैं तो लगता है जुडू जी कोई डोरा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बाबा मुला? अरे भैया ठीक ठाक है, तबीयत से आते है? बस सारा कोई ठीक है। तू ये सुना किले गया हूं ते किदु हो गया मनाए? आई दे गया मु 7 साल। अच्छा ओ आई बीमार। अच्छा
एक दुए डिठ होया कोई ना बचपन ओ मैं पूछ दस के ओदे घर अपने अच्छा रा एक शरीफ आदमी आई उस मैनू आख्या अच्छा गल्ला त्रा चार याद कर लवी ओनू पता लग गया भी ये कन्नू डोरा है उस मैनू आख्या भी ओनू आखे की हाल है हाँ मोड़ो तेन जवाब देसी मोड़ उस तू बाद ना मोड़ो मैनू मैं आखसा बी ओ औलाद दा की हाल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਾਂਤੂ ਡੋਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਨਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਮੇਰੀ ਸੱਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬਾਈ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਮਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ तू खले मारने शुरू कर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਸਮਝ ਆਈਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਲੋਕ ਸੇਬ ਦੀ ਬਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਡੋਰਾ बाबा ये तो गाल लेना कि मैंने पता कोई नहीं ये डोर है ए ठीक जिम्मेदार है मियां तू जी तू इनकार कर बैठे मैं कोई नहीं करना मैं देसा जा समझ आइए अयो ये घर तो रब देवे तो तू इनकार कर दिता नहीं नहीं बाबा नहीं, मैं खुदा दी मर्द तू कोई डाक सकता नहीं बाबा मैं वो गलती दी माजरत करनी आ ते मोड़ भी मेरी औलाद मेरे नहीं मेरे नेड़े नहीं लगी ए भी तेरा पोतरे ए मेरा पोतरे मैनू कोई नहीं पता है डोर है ए डोर है देख ला मेरी औलाद है उन दी अखी भी हैं कानू सुन दे भी मुंह च बुलेंदे भी हैं हर नेमत अल्लाह ताला देती है ओ मैनू पूछण वास्ते नहीं है मैनू पूछण वास्ते मेरे को बाबा गलती ही या हो गई है उस गलती दी मैनू माजरा दे चा ते मैं इनू दी दे सा उसे कोल माफी मंगनी है ਮੈਂ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਚਾ ਹੁਣ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡੋਰਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ ਕਾਹੀ ਹਰਕਤ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਜਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀਏ ਦੀ ਦੀ ਸੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਈ ਸਮਾਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਿਆ ਸੈਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀ ਦੇਸਾ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਛੋੜੀ ਇਹ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੇ ਆ ਨੱਪੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਗਿਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗਾ ਹੈ ਮੁਕਦਰਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਹੈ ਮੁਕਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੁਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਗੱਲ ਵੇਖੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਬਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਜਬੂਨੀਆਤ ਤੇ ਜੀ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਚ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੂੜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਈ ਨਾ ਆਈ ਗਤੀ ਇਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਤੂੰ ਮੋੜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ
चलो मुड़ मैं खुश जावा ना खुश वाज मुड़ शाम आंदी पई है मुड़ रिक्शा ना लपसी मैं मुड़ जावा हां दम्मी मोड़ लौसा अच्छा ओ तुसा आपर से मुका लियो दम्मी शायद मैं इथे कोई ना होता ते आवे तो भाई तू चलो पुतरा लखी ते दम्मी ओ समोर दम्मी ठीक है मेरा हां मैं मुड़ जाना ए मरीज बंदा है जवा ते का शखामांदी ले आने दम्मी बाबा मैं लाए उसा चंगा चंगा अल्लाह हाफिज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हनुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी नाज़रीन ये जो हमने आपको स्टोरी दिखाई है रियल स्टोरी है हमें खाने वाल से भेजी गई है तो ये बाबा जी हैं इन्हीं के मतलब के अड़ोस पड़ोस ये हुई है इन्होंने हमें स्टोरी दी है तो ये खाने वाल से बिलोंग करते हैं तो इन्होंने ये हमें स्टोरी बताई है और हमने बनाई है तो हमारे स्टोरी बनाने का यही मकसद था कि जो रिश्ते सच्चाई पर होते हैं ना तो वो अच्छे रहते हैं मतलब कि जिन रिश्तों में सच्चाई बता दी जाए कि ये बहरा है या इसको कोई और इसकी नज़र कम है या कोई भी इंसान के अंदर इशू है जो भी ऐब होता है वो अल्लाह ताला डालता है इंसान के अंदर तो हमें सच बता देना चाहिए उसमें ये होता है कि रिश्ते टूटते नहीं हैं और इस तरह के काम नहीं होते जिस तरह भाई आसिफ को इन्होंने मारा भगा दिया घर से उसके बाद जब उनको सच्चाई का पता चला तो फिर दोबारा वो जो रिश्ता था इनका आपस में वैसे ही हो गया जैसे पहले था तो मैं यही कहूंगा कि जो भी रिश्ते आपस में करते हैं वो एक दूसरे को सच्चाई बताया करें जो भी सच्चाई हो वो सच्चाई से वाकिफ कराया करें उसके बाद रिश्ता किया करें तो ताकि इस तरह मसले जो खड़े होते हैं वो मसले खड़े ना हो। मजीद मैडम आलिया है भाई आसिफ हैं बाबा मुलाजिम हैं भाई उमर है मैं इनसे कहूँगा कि ये क्या कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे आप सब उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप नुमान टीवी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आसानी के साथ आपके पास पहुंच जाए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे हौसला अफजाई करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है दिल को तसल्ली होती है कि आप लोग इतनी ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इसमें इस सारी स्टोरी में यही है कि जब भी आप रिश्ता करने लगें या रिश्ता करें तो हमेशा सच की बुनियाद पर करें। किसी में कोई ऐब है अच्छा है बुरा है जैसा भी है वो अगर आप किसी के पास रिश्ता करने जा रहे हैं किसी लड़की का रिश्ता लेने जा रहे हैं तो उनके माँ बाप को जो है लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दें सच बता दें तो वो उनके दिलों में जगह बन जाती है और आपका रिश्ता जो है हो या ना हो पर एक बंदे को पता चल जाता है ये लोग सच्चे लोग हैं। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। मैं आसिफ भाई को कहूँगी कि वो क्या कॉमेंट करेंगे। आसिफ भाई ये ऐसे कि हकीकत तो जो है ना ये डोरा पानी या जो थोड़ा नुक्स होता है वो हकीकत बात बताना चाहिए और उसके बाद इनका ख्याल भी रखा जाए जैसे रोड पे रखा जाता है भाई कोई हारन तो वो सुनते नहीं है बिल्कुल अक्सर जो है ना लोग उनको मारते हैं पीटते हैं वो ना किया करें इनका ख्याल रखा करें जो गूंगा है बहरा है उसका ख़ास ख्याल रखा करें। बिल्कुल जो भी ऐब हो छोटा हो बड़ा हो ऐब अल्लाह ताला की तरफ से होता है किसी की ऐब की वजह से उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।